नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा नेता के पुत्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसे भड़के किसान। बैठक में एक निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। उनकी दुकानों से किसी भी प्रकार का कोई सामान कोई किसान नहीं खरीदेगा। भविष्य में किसानों के खिलाफ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। एक ओर किसान संगठन केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों को लेकर के पिछले लंबे समय से लामबंद नजर आ रहे हैं, वहीं रतिया में एक भाजपा नेता के पुत्र ने सोशल मीडिया में डाली एक पोस्ट। किसानों के आंदोलन पर पोस्ट आग में घी का काम करने लगी है। पोस्ट वायरल होने के बाद किसान संगठनों ने एक बैठक आयोजन किया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसानों और किसान के संगठनों के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट डालने वालों के खिलाफ बहिष्कार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों से किसी भी प्रकार का कोई सामान किसान नहीं खरीदेगी। यदि भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट अगर कोई डालता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल रतिया के भाजपा नेता के पुत्र ने किसान आंदोलन को लेकर के टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी थी। इसमें लिखा था कि लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और आज़ादी है, लेकिन आजकल कुछ सिर फिरे लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। वह सामाजिक भाईचारे के विरुद्ध एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की DAP खाद व तेल बंद करके इनकी जायदाद कुर्क करके गरीबों में बांट देनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। उन्हें सभी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी की जान या माल की हानि होती है तो उनकी भरपाई इनकी ज़मीनें बेच करके करनी चाहिए। इस पोस्ट के बाद रतिया इलाके के किसान एक बार फिर से लामबंद नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष। BJP के कुछ लोग किसानों के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं और हम जो हमारे खिलाफ पोस्ट डालेगा हम उसकी दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। आज हमने ये पंचायती रूप से फैसला लिया है। यहाँ कोई BJP का नेता उसका बेटा ये कह रहा है कि किसानों की जमीन कुर्क कर लेनी चाहिए, ये सिर्फ फ्री लोग हैं, मतलब ऐसी भद्दर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक जी हमारे लोगों के पर्चे दर्ज करवा रहे हैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं, मतलब उसको सवाल जवाब भी मतलब चुभ रहे हैं और वो हमारी जमीन कुर्क करने की BJP के लोग बात कर रहे हैं। इसलिए ये विरोध है। हमने आज सांकेतिक तौर पर ये मीटिंग बुलाई थी। यदि वो मतलब आगे से कोई उनका कार्यकर्ता हमारे खिलाफ कुछ ऐसा लिखेगा तो थाने में जाया जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका आज आपने बहिष्कार किया? यहाँ को व्हाइट हाउस है, उसका कपड़े का सिंगला व्हाइट हाउस है और वो मान लो हमारा कह रहा है अभी इनकी जमीन कुर्क कर लेनी चाहिए, ऐसी उसने पोस्ट डाल रखी है। मान लो जिससे जमीन को किसान अपनी मां समझता है वो उसको कुर्क करने की बात करता है। मान लो ये मान लो बड़ा इस निंदनीय बात है अभी जिस खेत से उसकी दुकान चलती है उस खेत के बारे में ऐसा लिख रहा है और हमने आज पंचायती रूप में फैसला किया है कि हम उसकी दुकान से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। पराली जलाने को लेकर किसानों के फतेहाबाद में लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार ही इतनी निकम्मी है। पिछले 3 सालों से सरकार से किसान मशीन मांग मांग थक गए, मशीन दी नहीं, पर्चे बना रहे हैं, मगर इस बार लड़ाई होगी क्योंकि पहली बार हरियाणा के अंदर एक ऐसा आंदोलन उभर रहा है। सरकार को हम हराएंगे इस बार भी पिछली बार की तरह। वो फेल कर दी, किसानों ने किराए पे कुछ ट्रैक्टर लेके आए थे, आज इतने किसान पहुंच गए वो किसानों की भीड़ देख के भाग गई। तो जो सच्चा पक्का मोर्चा लगाया जा रहा है उसको लेकर रतिया के गांवों में भी कोई जनसभा? बिल्कुल अभी करेंगे। सिरसा पक्का मोर्चे में हजारों लोग जा रहे हैं और 19-1 विशेष यात्रा हम सरसा शुरू करेंगे जो पूरे हरियाणा के अंदर जाएगी और बड़ा आंदोलन बनता नजर आ रहा है। तीनों काले कानूनों के खिलाफ खट्टर और दुष्यंत को हरियाणा के किसान घेरने जा रहे हैं। बरोदा उपचुनाव में BJP के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, आप थोड़ा सा इंतजार करें। किसानों जाएंगे हम उसमें भी जाएंगे, जब यात्रा जाएगी तो बरोदा लाजमी उस यात्रा को लेकर जाएंगे।